न्यूज आई गल एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया राष्ट्र ने याद और उनके बलिदान को किया स्मरण, दो मिनट का रखा हूं। महात्मा का महाप्रयाण बीसी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता को दिया संदेश। नगर निगम कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा वार्ड संख्या 58 में आयोजित हुआ शिविर। कृषि बिलों के समर्थन में कलेक्टिव पर दिया धरना और किसानों को दिया समर्थन। अब विद्यालयों में होंगे तृतीय भाषा विषय के अध्यापकों के पद सृजन। और वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, पीबीएम सहित अनेक डिस्पेंसरीज में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी लगा रहे हैं वैक्सीनेशन। बापू के त्याग व बलिदान के लिए यह राष्ट्र उनका कृतज्ञ रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर और उनके निर्वाण दिवस पर पूरे देश ने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। बीकानेर इससे अछूता नहीं रहा। कांग्रेस जनों ने जहां महात्मा गांधी पार्क में पहुंच करके महात्मा गांधी की प्रतिमा पर न केवल पुष्पांजलि से श्रद्धांजलि दी बल्कि उनके आदर्शों को आत्मसात करने का प्रेरक संदेश भी दिया। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत और लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मदन मेघवाल भी मौजूद रहे। वहीं अनेक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के इस बलिदान दिवस पर शहीद दिवस पर उनकी शहादत को नमन किया और उनके योगदान को न केवल माना बल्कि उन्होंने कहा कि आम आदमी को महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। पहले हम आपको दिखाते हैं इस श्रद्धांजलि सभा के कुछ संपादित अंश। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे मदन गोपाल मेघवाल की पुण्यतिथि पर हम हमारा अन्नदाता जो आज आंदोलनरत है और उस आंदोलन को जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक और बलपूर्वक सरकार द्वारा दबाए जाने की कोशिशें की जा रही है, तो हम उन अन्नदाताओं के समर्थन में आज पूरे देश में सेवा दल के आह्वान पर मौन व्रत एवं उपवास का आयोजन रखा गया है और उसी के तहत हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए गांधी की प्रासंगिकता को याद करें तो ये स्पष्ट है कि जो ताकत सत्याग्रह में, जो ताकत अहिंसा में है, वो हिंसा में नहीं है। यह बात उन लोगों को भी आज महसूस हो गई है जिन लोगों ने हमेशा हिंसा का समर्थन किया और अहिंसा का जिन लोगों ने मखौल उड़ाया, वो लोग भी आज शांति और अहिंसा की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जिन्होंने कभी भी गांधी की सत्य अहिंसा को नहीं सराहा बल्कि उसको एक कमज़ोरी बताया गया, गांधी को एक कमज़ोर इंसान बताया, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हथियारों के दम पर लड़ने वालों से इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन सत्य और अहिंसा के साथ लड़ने वाला एक अकेला गांधी खड़ा है पूरी दुनिया में। आज गांधी की इस संदेश का, इस मैसेज का पूरी दुनिया में सम्मान किया जाता है और गांधी की राह पर चलते हुए नेल्सन मंडेला जैसे कई नेताओं ने भी अपने देश में बड़े परिवर्तन किए, सत्ता परिवर्तन किए। तो जो गांधी की ताकत है, इस गांधी की ताकत को पहचानना है और उस पहचानने में हम कांग्रेस जनों का प्रथम दायित्व बनता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अग्रिम संगठन और सेवा दल के माध्यम से भी आज महात्मा गांधी पार्क पर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इसके साथ साथ हरी पट्टी बांध करके और किसान आंदोलन को समर्थन भी दिया गया। इस मौके पर जहां कांग्रेस सेवा दल के शहर जिलाध्यक्ष शिवशंकर हर्ष के नेतृत्व में कई सेवा दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सभी लोगों ने हरी पट्टी बांध करके और पहले बापू को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद में देश में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने की
की बात की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई, प्रदेश अध्यक्ष एम सिंह जी शेखावत द्वारा निर्देशित जो हमें किया गया है उसके तहत आज हम सबसे पहले बापू को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर किसानों के समर्थन में हरी पट्टी बांधकर सारे स्वयंसेवक जो हमारे हैं वो उपवास और मौन व्रत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं किसानों के समर्थन के लिए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा का महाप्रयाण इस विषय पर वीसी के माध्यम से जो है वो लोगों को संदेश दिया। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य सरकार भी महात्मा गांधी के आदर्शों को आम जन तक पहुंचाने के लिए न केवल आयोजन कर रही है बल्कि कई तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से वह बच्चों बच्चों में महात्मा गांधी के आदर्शों को न केवल निरूपित करने की एक कोशिश कर रही है बल्कि प्रेम और अहिंसा के जरिए और सत्य और अहिंसा के जरिए राष्ट्र निर्माण का जो रास्ता है वो और आसान हो जाता है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जहां कलेक्ट्रेट में अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे वहीं बीकानेर में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो समन्वयक है संजय आचार्य वे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हम आपको दिखाते हैं कलेक्ट्रेट का वो नजारा जिनमें अलग अलग अधिकारियों के साथ में जो है वो वीसी के साथ अशोक गहलोत ने महात्मा का महाप्रयाण विषय पर संदेश दिया और उन लोगों को भी निर्देश दिया कि इस बात को इस संदेश को और उनके आदर्शों को आम जनता तक पहुँचाया जाए। दिखाते हैं आपको इस वीसी की कुछ जल्दी। श्री अशोक मंत्री परिषद के हमारे गुलाबदास जी कल्ला जी भवर सिंह पाटी जी सुभाष गर्ग जी एवं अन्य अतिथिगण यहाँ पर हमारे माननीय विधायकगण एवं यहाँ पर कार्यक्रम से जुड़े समस्त अतिथिगणों का मैं जयनार व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं गांधीवादी सोच के धनी जननायक श्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कंजर्वेशन अवेयरनेस सेंटर का शुभारंभ एवं गांधी अध्ययन केंद्र के नवीनीकृत कार्यालय का उद्घाटन कर हमें अनुग्रहित किया। वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर के माध्यम से इसका कार्य करेंगे जिससे लुप्त प्राय होने वाले जीव जंतुओं और पौधों को बचाया जा सके। वेस्टर्न राजस्थान की जैव विविधता पर शोध कार्य इस केंद्र में कराया जाएगा। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्मरण की तिथि है जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं। उनके है तारीखों को रोशन जमाना ऐसे लोगों को हमेशा याद करता है। गांधी जी आधुनिक भारत के लोकनायक मूल्यों का पाठ पढ़ाया जो आज 21वीं सदी में भी उतना ही प्रासंगिक है। मैंने जैन साल 47 से उनके साथ उनके आश्रम में काम किया। उनकी किताब के चैप्टर 2 का प्रस्तुतिकरण आज कर रहे हैं डॉक्टर महमूद फारूकी जी जो दास्तान गोई के रूप में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। श्रीमती अनीस किदवई जी अपनी किताब में गांधी जी को कोट करते हुए कहती हैं कि व्यक्तियों का नगर निगम कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आजीविका शहरी मिशन कार्यक्रम के तहत महिला सशक्तिकरण को लेकर के स्वयं सहायता समूह के गठन का जो शिविर है वह वार्ड संख्या 58 में लगाया गया। इसके संयोजक के तौर पर पूर्व प्रदेश सचिव रहे कांग्रेस के राजकुमार केरणु ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरी आजीविका मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण के कार्य को निरंतर गति दी जा रही है और उसे बल दिया जा रहा है। आज वार्ड संख्या 58 में जहां यह कार्यक्रम संपन्न हुआ वहीं 31 जनवरी को वार्ड संख्या 56 में वैद्य गंगाराम कॉलोनी में यह कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा या शिविर लगाया जाएगा जिसके लिए उन्होंने जानकारी दी कि अधिक से अधिक महिलाएं जो है शिविर का लाभ उठाएं।
हमने यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव राजकुमार केरड़ से की बातचीत। जो NUM योजना है नगर निगम द्वारा संचालित की जा रही है, उसको हम पूरे बीकानेर के 80 वार्डों में कैंप लगा करके लोगों का जो लोन की प्रक्रिया है, जो स्वयं सहायता समूह है, जो कौशल प्रशिक्षण जो बच्चियां और लड़के जो सीखना चाहते हैं, और स्ट्रीट वेंडर जो हमारे फेरी वाले लोग हैं छोटे, जो उनको 10,000 रुपये का लोन देने का फॉर्म यहाँ पर भर रहा है। कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधा निःशुल्क दी जा रही है, जिसमें आय प्रमाण पत्र हो, नोटरी हो, फोटोकॉपी हो, जो भी व्यवस्था है, फॉर्म भी निःशुल्क भरे जा रहे हैं। तो यहाँ लोगों को ये सुविधा दी जा रही है। हमारा संगठन संस्था का ये मानना है कि लोग अगर नगर निगम में जाकर के इसको भर रहे हैं तो उनके कम से कम 1,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, और उसके 4-5 दिन उनकी अनभिज्ञता के कारण खराब हो रहे हैं, उनसे राहत देने के लिए हमने ये काम किया है। और हम जिम्मेदारी से इन सब फॉर्मों को नगर निगम में जमा कराएंगे। आने वाले समय पर नगर निगम और बैंक द्वारा इनके से बुला करके इनका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद इनको बैंक में भेजा जाएगा, बैंक से इनको लोन की प्रक्रिया होगी। अभी तक कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी का ये 9वां कैंप है पूरे वार्डों में मिला करके, जिसमें करीब करीब एवरेज एक वार्ड में करीब 50 फॉर्म लोन इसके आ रहे हैं, हमारे 2 लाख रुपए लोन वाले जो स्वरोजगार योजना है उसके, और स्ट्रीट वेंडरों के करीब करीब 20 फॉर्म आ रहे हैं रोज, और स्वयं सहायता समूह जो इसका सबसे मुख्य आकर्षक बिंदु है, उसमें जो महिलाएं सरकार की बहुत बड़ी जो जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है, जो स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के लिए बनाया गया है, जिसमें उनके अकाउंट यहाँ पर खोले जा रहे हैं, उनकी टोटल डॉक्यूमेंट लेकर के, जिसमें अगर 3 महीने तक वो अगर बैंक को मेंटेन करेंगे बैंक अकाउंट को 50-50, 100-100 रुपये 3 महीने तक 10 महिला, तो सरकार 10,000 रुपये उनको फ्री में देगी, और वो उसके बाद समूह को बढ़ाते जाएंगे। ये योजना हम लोग यहाँ पर लागू कर रहे हैं, जिसमें बैंक SDFC बैंक को भी यहाँ पर हमने बुला रखा है, वो यहाँ पर हाथों हाथ बैंक का अकाउंट भी खोल रहे हैं निःशुल्क लोगों का। सोचना है हमारा प्रयास ये है कि बीकानेर के सभी 80 वार्डों ये कैंप को हम आयोजित करें, और स्थानीय जो पार्षद हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं, चाहे भी बताएं सर, राजकुमार किराड़ू, पूर्व सचिव राजस्थान। हम लोग का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। गांव खिलाओ, रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन खिलाओ, अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई, अरे भुजिया पापड़िया चटपटी स्वाद लो नमकीन का, बीका राम जान मल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। Available on Amazon, Flipkart and bhikaramchanmal.in। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, अमृत मंथन, मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोर्ट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। खमा घणी हुकम। अरे आइए आइए, घणी खमा, घणी खमा, क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के। तो हमें नहीं खिलाओगी प्रेम जी अग्रवाल के भुजिए? क्यों नहीं हुकम, ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है। दिल की बात वही जाने जो स्वाद असली पहचाने। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को आत्मसात करने की बात हर कोई कर रहा है। नगर निगम में भी महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ में न केवल श्रद्धांजलि बल्कि नगर निगम में अनेक लोगों ने आज बापू के बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने की बात की। आइए दिखाते हैं आपको नगर निगम का वो नजारा जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर यहां लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की, और खासतौर से महापौर सुशीला कंवर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों को आत्मसात करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट पर किसान आंदोलन के समर्थन में आज लोग पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लोगों ने यहां पहुंच करके और कहा कि कृषि जो बिल है ये काले कानून है, इन काले कानूनों को सरकार को वापस लेना ही होगा। उन्होंने कहा कि छोटे किसान इससे बहुत जल्दी प्रभावित होंगे, बड़े किसानों को इससे हो सकता है कि थोड़ा विलंब से नुकसान हो, लेकिन छोटे किसान दो चार महीनों में ही इन काले कानूनों के लागू हो जाने के बाद में इसके प्रभाव उन पर पड़ने शुरू होंगे। हालांकि राष्ट्रपति को तीनों ही बिल वापस लेने के लिए उन्होंने मांग की है और एक पत्र भी दिया है। लेकिन आपको कलेक्ट्रेट पर संयुक्त किसान मोर्चा के इन बैठे लोगों को जिन्होंने इस बिल के विरोध में और किसानों के समर्थन में आज धरना दिया। जो मोदी सरकार ने तीन कृषि कानून बनाए हैं जो काले कानून हैं, ये किसानी को तो प्रभावित करते ही करते हैं। जो ठीक ठाक किसान है वो तो दो साल बाद में चपेट में आएगा, लेकिन जो गरीब और मजदूर है वो दो महीने बाद ही चपेट में आ जाएगा। तो मेरा गरीबों से मजदूरों से निवेदन है, अनुरोध है कि किसानों का साथ देवें। किसान अगर टूट गया, यह आंदोलन अगर फेल हो गया देश में, तो देश गुलामी की ओर बढ़ेगा। हम सब किसानों के साथ में हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम सभी जगह जो धरने स्थल चल रहे हैं दिल्ली के बाहर, सिंघू बॉर्डर है, गाजीपुर है, सांझापुर है, टीकरी है, पर हम लोग बीकानेर से भी वहाँ जाएंगे। राजस्थान उर्दू बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक शमशेर खां भालू के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया गया। उन्होंने कहा कि उर्दू को बचाने के लिए वे महात्मा गांधी की बताए हुए रास्तों का अनुसरण करते हुए चूरू से लेकर दांडी तक पैदल मार्च करेंगे। उन्होंने आज गांधी पार्क में महात्मा गांधी को याद किया और साथ ही साथ उर्दू को बचाने का संकल्प भी लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे शमशेर खां भालू के नेतृत्व में उर्दू बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया। यात्रा की थी वो हमारा एक मांग पत्र था, उसके समर्थन में की थी। जो सरकार के द्वारा हमारी वार्ताएं हुई और आदेश हुए उनके अनुसार मांग पत्र पूर्ण हो गया है। चूँकि एक ऐतिहासिक पल है और इतिहास अपने आप को दोहराता है, गांधी का रास्ता सर्वोत्तम रास्ता है, गांधी का मार्ग अहिंसा और सत्य का मार्ग है, और ये संदेश देने के लिए भारत में एकता और सद्भावना कायम करने के लिए हम अपनी अधूरी इस यात्रा को, जिस दिन गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी उसी दिन से हम उदयपुर से यात्रा प्रारंभ करेंगे। बीकानेर क्या मकसद? बीकानेर हमारे कुछ मसले थे जो डायरेक्टर साहब से हमें बात करनी थी, उन बात मसलों पे चर्चा हुई और पॉजिटिव हमें डायरेक्टर साहब के द्वारा जवाब दिए गए। और जो समस्याएं छोटी मोटी हैं जैसे पुस्तकों संबंधी समस्याएं हैं वो सभी आप भी एक तो ये थी कि पहले सरकार में ये था कि एक विद्यालय में एक ही तृतीय भाषा होगी। मान लीजिए जिस विद्यालय में पंजाबी है वहाँ संस्कृत नहीं होगी, चाहे संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हों। गुजराती है वहाँ उर्दू नहीं होगी, जहाँ सिंधी है वहाँ पंजाबी नहीं होगी। अब सरकार ने ये कह दिया कि जिस तृतीय भाषा को पढ़ने वाले 10 बच्चे होंगे जिस विद्यालय में, वहाँ पे वो सभी तृतीय भाषा के पद हैं वो स्वीकृत किए जाएंगे। चाहे उसमें 500 के 500 अगर हैं पंजाबी गुजराती सिंधी उर्दू संस्कृत, तो 500 पद स्वीकृत किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक काम है और सभी भाषाओं को इससे किसानों ने सरासर टूल नाके पर किसान आंदोलन के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। उपवास के बाद में हालांकि उन्होंने नारेबाजी की, हालांकि सरपंच प्रभु गोदारा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग टूल नाके पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए उन्होंने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। टूल नाके पर हालांकि उनके जो काम चल रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की बाधा या क्षति इन लोगों ने नहीं पहुंचाई। दिखाते हैं आपको इस टोल नाके पर हुए प्रदर्शन की संभावित। वैक्सीनेशन के प्रति अब लोगों में उत्साह बढ़ने लगा है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो रहे हैं उन लोगों को पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिनमें खासतौर से चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं।
स्वास्थ्य कर्मियों में, खासतौर से पीएम अस्पताल में अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन दिया गया। वही मुरलीधर व्यास कोलोन स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर भी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल हर्ष ने भी आज वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन के साथ में जहाँ राहुल हर्ष ने भी कहा कि आम लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए और जैसे जैसे वैक्सीन लगेगी वैसे वैसे कोरोना का डर और भय जो है वो खत्म होगा। राहुल हर्ष ने सब परिवार जो है वह वैक्सीनेशन के लिए टीके लगाए। वहीं पीवीएम अस्पताल के केंद्र पर भी स्वास्थ्य कर्मियों में खासतौर से जीव दया फाउंडेशन के सुधा पारीक और मीनाक्षी भाटिया ने भी वैक्सीनेशन करवाया। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद हमने इनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से अब वे और अधिक आत्मविश्वास से यहां पर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कोरोना काल में भी अस्पताल में आते रहे, लोगों के बीच जाते रहे और मरीजों के साथ में काम करते रहे। वैक्सीनेशन लगाने के बाद अब उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है और उन्होंने कहा कि लोगों में भी जो आशंकाएं हैं वो अब खत्म होगी। देखिए क्या कहना है वैक्सीनेशन लगवाने की बात में हमने बातचीत की सुधा बारीक से। अब मन में कोई संशय कोई भय कोई ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। याद रह जाएगा या फिर आपको कोई रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर आएगा। आपको रिमाइंडर आएगा, मैसेज आएगा, बता रहे थे। अच्छा ये बताएं कि इस वैक्सीन को लेकर के आम जन में अभी भी संशय है, ऊहापोह की स्थिति है, लगवाने से लोग अभी भी कतरा रहे, क्या कारण इसका? डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग जैसे आज जाके आए वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ये फालतू बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर लोग सोच के जाएंगे कि हाँ हमें कुछ होगा तो उनको होगा। अच्छा ये बताएं आपको कोरोना का संक्रमण हुआ था क्या? जी नहीं, हमें कोरोना नहीं। तो अब लगता है कि अब एकदम और सुरक्षित हो गई यहाँ पे इस वैक्सीन की वजह से। लोगों को कुछ कहना चाहेंगी जो वैक्सीन के कतार में है, इंतजार में है? हाँ मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब लोगों को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमें कुछ भी नहीं। थैंक यू। वही बातचीत हमने की मीनाक्षी भाटिया से बात की थी, उन्होंने कहा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम स्वयं भी इसे वैक्सीन करवा चुके हैं अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करा सकते। क्या कहेंगी उन लोगों को जो वैक्सीन लगाने से अभी तक डर रहे हैं या यूं कहें कि वैक्सीन से कतरा रहे हैं? आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आराम से अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सिर्फ लैक्टेटिंग मदर्स हैं जिन्हें थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है, बाकी किसी को भी डर नहीं। और चलते चलते डालते हैं नजर आज की खास खास खबरों पर। महात्मा गांधी को किया राष्ट्र ने याद और उनके बलिदान को किया स्मरण, दो मिनट का रखा हूं। महात्मा का महाप्रयाण बीसी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता को दिया संदेश। नगर निगम कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा वार्ड संख्या 58 में आयोजित हुआ शिविर। कृषि बिलों के समर्थन में कलेक्टिव पर दिया धरना और किसानों को दिया समर्थन। अब विद्यालयों में होंगी तृतीय भाषा विषय के अध्यापकों के पद सृजन। और वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, पीबीएम सहित अनेक डिस्पेंसरीज में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी लगा रहे हैं वैक्सीनेशन। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, अगले बुलेटिन में गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंडा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं।